पांवटा साहिब में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 2022 में भाजपा की सरकार को रिपीट करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए साधना और एकजुट होकर जमीनी स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के लिए रिजर्व है, जबकि भाजपा में एक आम कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठ सकता है। यही कारण है कि देश में एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस आज अपनी जमीन तलाश रही है। ठीक है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और संकल्प करना पड़ेगा, और हम आपको विश्वास देते हैं अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बनेगी। लक्ष्य साधिए, 2022 का लक्ष्य निर्धारित करना है। 2022 के अंदर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके हम वो सारा भ्रम समाप्त कर देंगे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राजनीतिक खानदान से आता है, जिसका पिता राजनीति के अंदर शीर्ष स्थान के ऊपर रहा, उसने अपने बेटे की उंगली पकड़ी और पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहां से आते हैं? अब वो गांधी परिवार भी है या नहीं है, ये भी मुश्किल है कहना। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए पांवटा साहिब से सचिन ओवराय की रिपोर्ट।